वोंडो एसके भाई मैं जा रहा हूँ। अरे भाई एक गले नहीं मिलेगा क्या? चल बढ़िया जाना। ठीक है ठीक है भाई। निशान खड़ा हो ब्रो, खड़ा हो मैं जा रहा हूँ। उठ भी जा। बाय गाइस। बाय। ये हॉस्टल का नाश्ता जो झेल लिया बहुत अब बहुत है। अब घर का खाना खाए। छोले के नाम पे बटर के लाते हैं भाई। मंटू भाई कल तुम आए नहीं लेकिन मैं मिलूं। अविनाश बाय ब्रो। यस ब्रो। गाड़ी आ रही है ब्रो, टेंस मत लो। Are you ready? Yeah. I'm so excited, man. Yeah. ये semester clear हुआ इसकी वजह से। This semester totally. अरे फिर hostel के सरताज हमारे हॉस्टल की यही। अरे भाई इधर आओ ना। मिलते हैं ब्रो अभी टैक्सी के अंदर। अभी साथ में जाएंगे। कम ऑन गाइस कम ऑन। बस हट जा सिगरेट को। सुनो तेरी आगे वाली है। सोनू ये तेरी है। लगेज है। तुम चार हो गए। सोम भाई सोनू हैप्पी जर्नी। बजरंग बली की जय। हमारा लगेज लेके किधर निकल लिए वे? ये हमारी तीन टैक्सी हैं जिसमें हम आए थे। एक ये है। ओके ब्रो बाय। बाय शंबोक। हैप्पी जर्नी। चल अपने वहाँ बैठते हैं ना। सो अभी बोर्डिंग पास बनानी है। दिस इज आइजोल एयरपोर्ट। तो लगेज बैग होने के बाद अपने बैग पे ऊपर टैग लगेगा। थैंक यू सर। तो भाई बाल बचे हैं। 15 केजी का लिमिट थी और 14 800 ग्राम हुए। 14 किलो 800 ग्राम। अगर ज़्यादा हो जाती तो पैसे लगते या फिर कुछ और करना पड़ता जुगाड़। बट बच गए एटलीस्ट। ये अपनी टिकट और बोर्डिंग पास आ गए हैं। सो नाउ वी आर गुड टू गो इन द फ्लाइट। सो अभी थोड़ी देर वेटिंग रूम में लिस्ट वेट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो टिल दैट सी यू। अभी वेट करते हैं सोनू का, वो आ जाता है उसके बाद में अपना कहीं पुल पे जाके बैठते हैं। वेट करते हैं, आ जाता है वो भी। उसको पता नहीं सब कुछ, इधर का पहली बार आ रहा है इधर। मतलब इधर तो एयरपोर्ट पे तो इस पे तो सब भी पहले बार आ रहे हैं। बट उसको पूरा प्रोसीजर का पता नहीं आते वो अलग से आया था। सो सोनू हो गया अपना। यस ब्रो। अपनी टिकट दिखाओ। आ जाओ कहीं पर वेट करते हैं फिर। अभी चलो ब्रो। अरे यार तेरे को छोड़ के थोड़े जाएंगे, तेरे बिना ब्लॉगिंग किस काम की। तो अभी टाइम फॉर सिक्योरिटी चेक।
अरे टॉपर टॉपर मेरे को लेना भाई तो इतना डेडिकेशन वहां लेके फिर रहा था इसको सेल्फी लेते हैं ना चल इससे क्या कर रहा है। सो गाइस इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग। देखिए लाइन लग गई है यहाँ पे इतनी बड़ी, मेरे दस लोग सारे लाइन में लग चुके हैं, अपन भी लगते हैं जाके। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस सारे लोग इधर ओए चलो रे। डिफरेंस क्या है? चलो क्या चाहिए? डिफरेंस क्या है? बैठो यार, खड़े होने क्या पॉइंट? हाँ वो भी सही बात है यार, इतनी जो लाइन में लगने का क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट उधर से चलते हैं ना। तुम लोग लगो लाइन में, हमारा लाइन में लगने अमन नहीं है, हम वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोग हैं, खड़े रहते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। ओह ये बात है, चल तो फिर सीधे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए सबसे आलसी बंदा यहाँ पे बैठ गया, ये इसकी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, बूढ़ा हो गया, जिसे बुढ़ापा आ गया। टॉपर है, सब में दसवीं जी भी लेके आ रहा है, तीन में भी मार्क्स में तीनों में दसवीं। कांग्रेचुलेशन करो फ्रेंड्स, ये खुद टॉपर है। टॉपर से मुलाकात हो गई आज, अब तो रो रहे हैं मार्क्स के लिए। ये हमारा सीआर जिसके साथ हम आए थे, जिसके साथ ही जा रहे हैं, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बस ये आते हो टैक्सी में लगाया था वरना और मजे आ जाते। ये धोखेबाज निकला, ये बोल रहा था मैं वीआईपी हूँ, ये वीआईपी नेस इसकी खत्म हो गई। चल संस्कार, मैं और सीआर दो सिर्फ हेलो एंड वीआईपी है, ये वीआईपी नेस इसकी सेट होती है। अब प्लेयर जाएगा उसके बाद जाएंगे, ठीक है? तुम लोग इधर से जाओ, हम इधर से डायरेक्ट आ रहे हैं। देखिए जूनियर्स भी है, मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। क्या बोल संस्कार, क्या करें? आगे से चलते हैं ना, आ जाओ इधर से चलते हैं। ये देखिए हम आगे वाले डायरेक्ट चुन रहे हैं वीआईपी, बिल्कुल देख इधर से डायरेक्ट है, हमारे पीछे कोई लाइन नहीं, और वो लोग उधर लाइन के अंदर खड़े, लाइन में खड़े हैं। लाइन में सारे लगते हैं यार, वीआईपी लोग बिना लाइन के चलते हैं अभी। अरे अरे टिकट निकाल ली क्या? निकाल ली, हाँ निकालना। बोर्डिंग पास की जरूरत पड़ेगी, दिस इज़ आर बोर्डिंग पास। सो अभी बस इसको स्कैन करना और सीधा फ्लाइट के अंदर मिलते हैं आपसे। कुछ ज़्यादा ही ले रही है, कुछ ज़्यादा ही कर लिया, ये हमारी लाइन चल ही नहीं रही। लाइन तो बना ली, लाइन बना के क्या फ़ायदा मित्र, वही तो यार आराम से बैठना था। हाँ वैसे जाके फ्लाइट में अपनी सीट बुक है, अपनी सीट पे कोई बैठेगा देख लेंगे उसको, हमें लास्ट बस मिलेगी पूरी खाली जाए बस, क्यों केयर करना। 131 30 एवरीथिंग गॉट डन। अभी हम चले बोर्डिंग कराने, यार यहाँ पे ह्यूमिडिटी, लिंगपुई एयरपोर्ट, बाय बाय एयरपोर्ट, बाय बाय आइजोल। यार कैसा लग रहा है घर जाने के बाद? बहुत अच्छा, 4 महीने बाद घर जा रहे हैं, यहाँ से लग रहा है जैसे जेल से निकले हो। क्या जगह थी यार, बट यार पहाड़ी एरिया मस्त है, ये देखने के लिए बहुत अच्छी, देखने के लिए नहीं 2-4 दिन घूम के निकले मस्त है एकदम। हाँ 2-4 दिन घूमिए आप, आइए यहाँ पे आपको बहुत मजा लगेगा। डेफिनेटली 4 महीने के लिए मत, 4 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मस्त आई है, 1 हफ्ते के लिए द बेस्ट जगह है यहाँ पे, इससे बेस्ट जगह नहीं हो सकती। और ये एयरपोर्ट देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पे क्या है कि सारा हिली एरिया है, तो जो वीआईपी लोग होते हैं उनको गाड़ियों में जाना पसंद नहीं है क्योंकि उधर उधर है, तो उनके लिए अलग से फैसिलिटी है, हम लोग आराम से चलते हैं व्यू देखते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए वो भी है, उससे जा सकते हैं आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पैसे देने हैं। और ये हमारी सामने फ्लाइट है, दिखाते हैं आपको, दिस इज़ आवर फ्लाइट, इसके अंदर बोर्डिंग वोडिंग करने हैं ये सब लोग यहाँ पे, वो हमारी गैंग जा रही है उधर। ये धोखेबाज इंसान है ये सही निकले हैं, ये पहले वीआईपी, वीआईपी है, वीआईपी सही निकले हैं, वीआईपी कोटे में आके वापस से नॉर्मल कोटे में, वो फोटो भी खिंचा रहे थे इसीलिए। अच्छा वीआईपी हमको दिखाएंगे, हां वीआईपी का एग्जैक्ट टाइम आ गया है ना, उसके अंदर घुस जाके मुझे मैं चेक कीजिए। हमको निकाल दिया यार, बाय, हमारी सीट पीछे है। अरे वीआईपी लोग पीछे में जाते हैं भाई, तो अच्छा तू भी वीआईपी है क्या? देख वीआईपी का अलग कोटा होता है, वीआईपी से देखो वीआईपी किससे देख सकते हो आप, हम झूठ नहीं बोल रहे, वी आर रियली वीआईपी। वीआईपी लोग के लिए स्पेशल एंट्री, 4-5 में से 3 वीआईपी निकले हैं। क्या है ना, आगे नहीं ब्रो, 30
काशवी श्रुति प्रतिमा और मैं मतलब आपके मुख्य करने लगे हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन आई लाइक टू बी एजुकेटेड बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड हेलो टू माय लोनलीनेस आई गेस दैट इन द एक्सपीरियंस काम में लेंगे अभी प्लेसमेंट अपन भी कराएंगे इनके कॉन्टेक्ट से भाई सर मेरे को बहुत अच्छा लगा यार तुम सभी मतलब कॉन्टेक्ट में हेल्प तो कर दोगे हाँ बिल्कुल हेल्प करेंगे यार ठीक है भाई और अभी कहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा रहे हो या फिर नहीं पे? अभी तो घर पे जा रहे हैं छुट्टी जा रहे हैं अच्छा फिर अपना कुछ मजे कई दिन एक महीने बाद फिर आ जाएंगे वापस प्रोजेक्ट मिजोरम में हाँ एक महीने बाद मतलब डेढ़ महीने बाद हमारी इंटरनेशनल कॉरिडोर है हमारा इंटरनेशनल बहुत लंबा लेके बैठे चंपा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा और कोई दिक्कत नहीं अभी मजे फिर इस डाली ये अपने लौंडे सारे वीडियो वीडियो बनाते हुए आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई बहुत आगे रास्ता ये क्या कर रहे हो भाई जिसको देखो कैमरा लेके घूम रहा है ये गलत बात है भाई इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी चाहिए भाई कैमरे बंद करो रे वो सही है यार देख अरे गजब चलो दिखाते हैं आपको सोनू को अभी शॉपिंग की पड़ी है इसको देखो ये ललचा रहे हैं हमारा जी ये गुब्बारे फुला के दिखा के अपने को इधर आकर्षित कर रहे हैं बट हम नहीं होंगे बिल्कुल नहीं होंगे हम सीधा जाएंगे अपने बैगेज लेंगे अरे भाई साहब 7 नंबर पे जाना है अपने को बहुत दूर है 7 नंबर तक जाने में पड़ जाएगी बस जल्दी भाग वैसे यार अपनी फ्लाइट अभी तो लैंड हुई है इतनी भी जल्दी क्या है अपने को है ना सो आराम से चलते हैं जस्ट चिल ब्रो बैंक की यहाँ पे पब्लिसिटी हो रही है हम नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं लाएंगे अपने व्लॉग में माना कोई नहीं देखता बट फिर भी नहीं करेंगे कम लगेगा वहाँ पे चलते ना आगे यहाँ पे क्यों खड़े हो हट आगे चलो अबे ओए वंस अपने क्या सर अपने चलो यहाँ पे लेके खड़े हो गए वहीं पे खड़े हो जाओ सबसे आगे वाली जगह पे खड़े हो यही है क्या आगे वाली जगह मेरे को नहीं लग रहा आगे वाली है ये बैग आ कहाँ से रहे चलो जो भी है कन्वेयर बेल्ट ये होता है घूमते रहते हैं इधर देखिए सामान आ रहे हैं चढ़ जा वो कौन से मूवी है जिसमें वरुण धवन था चल के
सामान आ गया, हमारा नहीं आ रहा अभी तक। देख लो गाइस, बैग सारे हमारे नहीं आ रहे। देख लो बड़ी बड़ी ट्रॉली कहाँ से मिली। ये देखो इधर इनकी फ्लाइट की निकल ली है सामान। ये है यहाँ पे सब, बस इधर खड़ी। ये ले फोटो देख, ये देखो फोटो, ये मॉडल और ये फोटो शूटर। थैंक यू। देख मेरा क्या चल रहा है अपना। थैंक यू। ये क्या होता है, ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम? अच्छा कुछ बातें बताई नहीं जा, टॉप सीक्रेट। ये हो गया है सारा काम, फिर सबने बगना लगेज वगेज ले लिया है, अभी चलते हैं। ये देखिए ये लौंडे, ये लौंडे कोई काम के नहीं इधर, ये बस अपना अपना सामान लेके निकल रहे हैं। देखो देखो चोरों के जैसे अपना मुंह छुपा के। आजा आजा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ब्रो। अरे कैमरा बंद कर दे, वैसे हम भी ले रहे हैं, हम भी कैमरा ही पकड़े खड़ रहे हैं। आज किचन को दिल्ली में घुमा देंगे हम। अच्छा हो जाएगा ये, चल खुआ दे फिर आज तो घुमा ही दे मेरे को। चलो अभी मेट्रो चलते हैं, मेट्रो से चलेंगे। तो यार सीन अभी ऐसा हो गया था, एक दोस्त था उसका बैग अंदर रह गया था, और फिर अंदर सिक्योरिटी वाले अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अभी मुश्किल से पूरा ताम झाम किया, सिक्योरिटी वालों से मुश्किल से बात की, तो फिर उनका कोई एक कॉन्टेक्ट था हमारा, उससे बात की, तो उसने सिक्योरिटी से बात की, फिर उसको अंदर जाने दिया। अंदर मतलब पूरा तो नहीं जाने दिया, बट वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रख लिया, और अंदर जाके सिक्योरिटी वाले खुद जाके बैग लेके आए, और फिर उससे वेरिफिकेशन किया कि ये बैग उसी का है कि नहीं, उसके बाद मिला। तो गलती से भी फ़ोटो वोटो के चक्कर में अंदर बैग कभी ना भूल जाना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे अंदर वापस नहीं जाने देते। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, बैग मिल गया, इसकी खुशी में पार्टी दे रहा होगा अभी। या पार्टी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। खुशी देखिए, अब फोटो लेगा? नेवर। फोटो घर जाने से पहले दो चार फोटो तो और ले ही लेगा। नेवर, नेवर, नेवर। चलो अच्छा, अभी लाइफ लेसन मिला। या। अभी दोबारा कभी फोटो के चक्कर में बैग नीचे नहीं रखना, फोटो लेनी है बैग लगाए रखो। इसको ब्लॉग में मत लगाना। सब जगह घूम लिया अभी, एयरपोर्ट लिफ्टों में भी घूमो। अरे चार का था, इतने सारे घुस गए यहाँ पे सारे के सारे। वो पीछे है ना तेरे। चलो अभी मैं नीचे तो जा रहे हैं। चल एक ले लेते हैं, तो मिल जाएगा। अरे अभी भी फोटो ले रहा है तू? लेगा क्या? इसका अभी नशा उतर गया लगता है। क्या लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है क्या वंश? या बहुत कूल। पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी तो दे रहा है ना, सबका लंच यही कर रहा है। अरे चार से ज्यादा नहीं जा सकते ना। अभी जाते हैं मेट्रो स्टेशन। जाएंगे पुत्र में अपन, उतर जाएंगे, तू बैठा रहे। कौन सा स्टेशन? मैं उतार दूंगा तेरे को। हम नाम पूछ रहे हैं यार। अभी न्यू दिल्ली जाएंगे। मेट्रो में बैठ चुके हैं न्यू दिल्ली से। यहाँ से अपने को ऑरेंज लाइन मिली है, ऑरेंज लाइन से येलो लाइन जाना, येलो लाइन न्यू दिल्ली उतारेगी, वहाँ से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से अपने को बस मिल जाएगी। तो ये हमारे तारक भैया, ये भी हमारे साथ जाएंगे। काउंटर चलना है, यहाँ से अपने को लेनी येलो लाइन की टिकट। आ जाओ तो यहाँ पे चेक कर सकता है, देख पूरा मैप इधर, ये है मैप, अपन है यहाँ पे नई दिल्ली। नई दिल्ली से आप मेरे को जाना है यहाँ पे, रुकना अपने को। सारे दोस्त हो सबने अपनी जगह पे चले गए, अपन हो गए अकेले इधर। अभी जा रहे हैं अपन फतेहपुरी, ट्रेन वेन तो निकल चुकी है, नंबर जुगाड़े कहीं से कोई दोस्त से, सीधा ट्रैवलर बस के पास जा रहे हैं वहाँ से घर पे। और जिस नंबर दोस्त ने नंबर दिया उसको दिल से थैंक यू यार, और प्लीज़ बैग ना भूल जाए कोई अपना। एयरपोर्ट पे बैग भूला मतलब जान धोनी पड़ सकती है। I miss